नमस्कार किसान भाइयों, मैं संदीप श्रीवास्तव लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सभी के लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम बात करेंगे फूल गोभी की खेती की। ये भारत की प्रमुख सब्जी है। फूल गोभी की खेती पूरे साल भर की जाती है। इससे किसान अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। इसको सब्जी, सूप और अचार के तौर पर प्रयोग करते हैं। इसमें विटामिन बी पर्याप्त मात्रा में होने के साथ साथ प्रोटीन भी अन्य सब्जियों की तुलना में अधिक पाई जाती है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में फूलगोभी कृषि के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल लगभग 3000 हेक्टेयर है, जिससे तकरीबन 6,85,000 टन उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश और अन्य ठंडे स्थानों में इसका उत्पादन व्यापक पैमाने पर किया जाता है। वर्तमान में इसे सभी स्थानों पर उगाया जाता है। फूल गोभी, जिसे हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, इसके फूल छोटे और घने हो जाते हैं और एक कोमल ठोस रूप में तैयार हो जाते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं फूल गोभी की उन्नतशील प्रजातियों, जलवायु और खेत की तैयारी के बारे में। उन्नतशील प्रजातियां। फूल गोभी की मौसम के आधार पर तीन प्रकार की प्रजातियां होती हैं। अगेती, मध्यम और पछेती प्रजातियां पाई जाती हैं। अगेती प्रजातियां पूसा दीपाली, अरली कुंवारी, अरली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा कार्तिक, पूसा अरली सिंथेटिक, पटना अगेती, सिलेक्शन 327 एवं सिलेक्शन 328। मध्यम प्रजातियां पंत शुभ्रा, इम्प्रूव जापानी, हिसार 114, S1, नरेंद्र गोभी 1, पंजाब जॉइंट, अर्ली स्नोबाल, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा अगहनी एवं पटना मध्यम। पछेती प्रजातियां स्नोबाल 16, पूसा स्नोबाल 1, पूसा स्नोबाल 2, पूसा के 1 दानिया, स्नोकिंग, पूसा सिंथेटिक, विश्व भारती, बनारसी मागी, जॉइंट स्नोबाल। जलवायु और भूमि। फूल गोभी के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। दिन अपेक्षाकृत छोटे हों तो फूल की बढ़ोतरी अधिक होती है। फूल तैयार होने के समय तापमान अधिक होने से फूल पत्तेदार और पीले रंग के हो जाते हैं। अगेती जातियों के लिए अधिक तापमान और बड़े दिनों की आवश्यकता होती है। 22 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पौधों के अधिक समुचित विकास और फूलों के उत्तम गुणों के लिए सर्वोत्तम माना गया है। फूल गोभी को गर्म दशाओं में उगाने से सब्जी का स्वाद तीखा हो जाता है। जिस भूमि का पीएच मान 5.5 से 7 के मध्य हो, वो भूमि फूल गोभी के लिए उपयुक्त मानी गई है। अगेती फसल के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी और पिछेती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी उपयुक्त रहती है। फूल गोभी की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध हो, इसकी खेती के लिए अच्छी होती है। हल्की रचना वाली भूमि में पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद डालकर इसकी खेती की जा सकती है। खेत की तैयारी। पहले खेत को पलेवा करें। जब भूमि जुताई योग्य हो जाए तो उसकी जुताई 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य लगाएं। फूल गोभी में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, सी और निकोटीनिक एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं। पौध रोपण के 3 से 3.5 माह में सब्जी योग्य फूल तैयार हो जाते हैं। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं फूल गोभी की खेती के लिए पौधे की तैयारी, बीज की बुआई और रोपाई के बारे में। पौध की तैयारी। भूमि तैयार होने पर 0.75 मीटर चौड़ी, 5 से 10 मीटर लंबी, 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बना लेना चाहिए। 2 क्यारियों के बीच में 50 से 60 सेंटीमीटर चौड़ी नाली पानी देने और अन्य क्रियाओं को करने के लिए रखनी चाहिए।
पौध डालने से पहले 5 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति क्यारी में मिला देना चाहिए। 10 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 5 किलो यूरिया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से क्यारियों में मिला देना चाहिए। क्यारियों में बीज बुआई के बाद सड़ी गोबर की खाद से बीज को ढक देना चाहिए। इसके 1 से 2 दिन बाद नालियों में पानी लगा देना चाहिए या हजारे से पानी क्यारियों में देना चाहिए। बीज बुआई 1 हेक्टेयर खेत में 450 ग्राम से 500 ग्राम बीज की बुआई करें। पहले 2 से 3 ग्राम कैप्टन या ब्रेसिकॉल प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ 160 से 175 मिलीलीटर मिश्रण को 2.5 लीटर पानी में मिलाकर प्रति वर्ग मीटर की दर से नर्सरी में भूमि शोधन करना चाहिए। रोपाई फसल की समय के अनुसार रोपाई और बुआई की जाती है। अगेती में मध्य जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पौध डालकर पौध तैयार की जाती है। 45 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर पौध डालने के 30 दिन बाद रोपाई करनी चाहिए। मध्यम फसल में अगस्त के मध्य में पौध डालनी चाहिए। 30 दिन बाद 50 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 50 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर रोपाई करनी चाहिए। पिछेती फसल में मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक पौध डाल देनी चाहिए। खाद और उर्वरक फूल गोभी की अधिक उपज लेने के लिए भूमि में पर्याप्त मात्रा में खाद डालना अत्यंत आवश्यक है। मुख्य मौसम की फसल को अपेक्षाकृत अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए 1 हेक्टेयर भूमि में 35 से 40 क्विंटल गोबर की अच्छी तरीके से सड़ी हुई खाद और 1 क्विंटल नीम की खली डालते हैं। रोपाई के 15 दिनों के बाद बर्मी वॉश का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक खाद 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो थी फूल गोभी की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप फूल गोभी में रोग नियंत्रण कर सकते हैं और साथ साथ फूल गोभी की तुड़ाई और भंडारण के बारे में भी बताएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में। किसान भाइयों, ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह से आप फूलगोभी की खेती कर सकते हैं और बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको फूलगोभी की खेती में कीट प्रबंधन, फसल की खुदाई और भंडारण के बारे में जानकारी देंगे। गोभी वर्गीय सब्जियों में फूलगोभी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी खेती मुख्य रूप से सफेद, अविकसित और गठे हुए फूल के गुच्छे के उत्पादन के लिए की जाती है। ये पाचन शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक होता है। देखिए ये रिपोर्ट। गोभी का फूल महज एक सब्जी ही नहीं बल्कि इसमें आपको सेहतमंद बनाने के भी कई गुण मौजूद होते हैं। गोभी को अपने आहार में शामिल कर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। साथ ही कई रोग होने पर आप गोभी के जरिए अपना उपचार भी कर सकते हैं। गोभी भारतीय भोजन का प्रमुख हिस्सा है। आसानी से उपलब्ध होने वाली गोभी में कई औषधीय गुण भी हैं। सामान्य बीमारी से लेकर कैंसर जैसी बीमारी के उपचार में गोभी सहायता करती है। आइए जानते हैं कि गोभी आपके लिए कितनी फायदेमंद होती है।
फूल गोभी के घरेलू उपचार। पेट दर्द होने पर गोभी की जड़, पत्ती, तना, फल और फूल को चावल के पानी में पकाकर सुबह शाम लेने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। फूल गोभी खाने से खून साफ होता है। फूल गोभी का रस पीने से खून की खराबी दूर होती है और खून साफ होता है। हड्डियों का दर्द दूर करने के लिए गोभी के रस को गाजर के रस में बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से हड्डियों का दर्द दूर होता है। पीलिया के लिए भी गोभी का रस बहुत फायदेमंद है। गाजर और गोभी का रस मिलाकर पीने से पीलिया ठीक होता है। फूल गोभी के अन्य स्वास्थ्य लाभ दिल के लिए बहुत फायदेमंद होती है। फूल गोभी फाइबर का उच्च स्रोत होती है। फाइबर हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है और साथ ही कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करता है। फूल गोभी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसके साथ ही ये विटामिन ए और विटामिन बी से भी भरपूर होती है। फूल गोभी में कैल्शियम की मात्रा भी काफी होती है। ये नर्वस सिस्टम को बहुत मजबूत बनाता है। पूरे विश्व में सामान्यतः ठंड के मौसम में मुख्य रूप से गोभी खाई जाती है, जो अनेक गुणों से भरपूर होती है। गोभी को कच्चा भी खाया जा सकता है। फूल गोभी खाने में ठंडी और तर होती है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं स्वादिष्ट और गुणकारी फूल गोभी की फसल में सिंचाई और खरपतवार नियंत्रण की विधि के बारे में। सिंचाई, रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। अगेती फसल में एक सप्ताह के अंतर से और देर वाली फसल में 10 से 15 दिन के अंतर से सिंचाई करें। पूरी तरह से निर्माण के समय भूमि में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण, फूलगोभी की फसल के साथ उगे खरपतवारों के रोकथाम के लिए आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करते रहें। फूल गोभी उथली जड़ वाली फसल है, इसलिए इसकी निराई गुड़ाई ज्यादा गहरी न करें। खरपतवार को समय समय पर उखाड़ कर नष्ट करते रहें। सब्जियों की खेती करने वाले किसान के लिए अच्छी खबर है। उद्यान विभाग की ओर से सब्जियों के उत्पादन पर सब्सिडी दी जा रही है। एक हेक्टेयर में 20,000 तक अनुदान मिल रहा है। DBT के माध्यम से ये लाभ दिया जाएगा। हरी सब्जियों के साथ ही प्याज और लहसुन पर भी अनुदान है। पत्ता गोभी को 20 हेक्टेयर, फूल गोभी के लिए 20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। फसल की अवधि 60 से 120 दिन की होती है। प्रति हेक्टेयर 100 से 250 क्विंटल फूल प्राप्त हो जाते हैं। उपज पौधे लगने के समय के ऊपर निर्भर करती है। तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कीट नियंत्रण, फसल कटाई और भंडारण विधि के बारे में। कीट नियंत्रण, कैबेज मैगेट, ये जड़ों पर आक्रमण करता है जिसके कारण पौधे सूख जाते हैं। रोकथाम, इसकी रोकथाम के लिए खेत में नीम की खाद का प्रयोग करना चाहिए। चैंपा, ये कीट पत्तियों और पौधों के अन्य कोमल भागों का रस चूसता है जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। रोकथाम, नीम के काढ़े को गौमूत्र के साथ मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार करें। 750 ml मिश्रण को प्रति पंप के हिसाब से फसल में तर बतर कर छिड़काव करें। ग्रीन कैबेज वर्म, ये दोनों पत्तियों को खाते हैं जिसके कारण पत्तियों की आकृति बिगड़ जाती है। रोकथाम, गौमूत्र को नीम के तेल में मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार करें। 500 ml मिश्रण को प्रति पंप के हिसाब से फसल में तर बतर कर छिड़काव करें। डायमंड बैक मोथ, ये मोथ भूरे या कत्थई रंग के होते हैं जो 1 cm लंबे होते हैं। इनकी सुंडी 1 cm लंबी होती है जो पौधों की पत्तियों के किनारे को खाती है। रोकथाम, गौमूत्र में नीम का तेल मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर 500 ml मिश्रण को प्रति पंप के हिसाब से फसल में छिड़काव करें। बीज को बोने से पहले गौमूत्र, केरोसिन या नीम के तेल से बीज को उपचारित करके बोएं। गोभी वर्गीय फसलों को ऐसे क्षेत्र में उगाना नहीं चाहिए
जिनमें इन रोगों का प्रकोप हो रहा है। सरसों वाले पौधों के पास फूल गोभी ना उगाएं। कटाई, फूल गोभी की कटाई तब करें जब उसके फूल पूरी तरह से विकसित हो जाएं। पूरी तरह से ठोस और आकर्षक होनी चाहिए। प्रजातियों के अनुसार रोपाई के बाद अगेती फसल 60 से 70 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। मध्यम की फसल 90 से 100 दिन और पछेती 110 से 180 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाती है। उपज और भंडारण, प्रति हेक्टेयर 200 से 250 क्विंटल तक की उपज मिल जाती है। फूलों में पत्तियां लगे रहने पर 85 से 90 प्रतिशत आर्द्रता के साथ 14.22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उन्हें एक महीने तक रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी फूल गोभी की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। फिलहाल अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको किसानों द्वारा पूछे गए खेती से जुड़े सवालों से रूबरू करवाएंगे। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारे फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो सकें, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जो कि बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली रही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल है जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा है और उसका जवाब जानने की कोशिश की है। बिजनौर के रहने वाले किसान भाई मनोज कुमार ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आज का सवाल, कलमी साग के लिए नर्सरी किस तरह से तैयार की जाती है? हमारा जवाब, मनोज जी, कलमी साग के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए अगस्त से सितंबर तक इसकी बुआई की जा सकती है। बुआई के 5-6 दिन में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। कलमी साग की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है। कलमी साग में विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मनोज जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। भाई, ये बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। कन्नौज के रहने वाले किसान सूर्य प्रकाश चौधरी ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क करके अपनी समस्या रखी है। उन्होंने हमसे जानना चाहा है कि आज का सवाल, लहसुन की खेती के लिए बीज बुआई किस प्रकार करें जिससे ज्यादा उपज प्राप्त हो? हमारा जवाब, सूर्य प्रकाश जी, लहसुन की बुआई कूड़ों में छिटकवा डबलिंग विधि से की जाती है। अच्छी उपज के लिए लहसुन की बुआई डबलिंग विधि से करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौध से पौध की दूरी 7.5 सेंटीमीटर रखें। बोने की गहराई 5 सेंटीमीटर रखें। मैदानी क्षेत्रों में सितंबर से नवंबर तक लहसुन की बुआई करें। पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से मई तक बुआई करें। सूर्य प्रकाश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। भाई, ये बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। देवघर के रहने वाले किसान भाई कौशल श्रीवास्तव ने भी हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी है। उनका सवाल है कि आज का सवाल, मूंगफली के बीजों का उपचार किस प्रकार करें?
हमारा जवाब, कौशल जी, बीज की बुआई करने से पहले बीज का उपचार करना बहुत ही लाभकारी होता है। इसके लिए थायरम 2 ग्राम और कार्बेंडाइजम 50% घुलनशील के मिश्रण तैयार करें। तैयार मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बुआई से पहले मूंगफली के बीज को राइजोबियम कल्चर से भी उपचारित करना चाहिए। राइजोबियम कल्चर का एक पैकेट 10 किलो बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोलकर इसमें 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिलाएं। मिश्रण को 10 किलो बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 2 से 3 घंटे सूखने के लिए रख दें। बुआई सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद करें। कौशल जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्या और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव भी हमें देते रहेंगे। तो कार्यक्रम के इस भाग में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।